हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट के लिए है। हम इस वीडियो में OMR शीट कैसे भरें, किस पेन से OMR शीट को भरें, कॉपी कैसे लिखी जाती है एग्ज़ाम में कि आपको पूरा नंबर मिले और अच्छा नंबर आप कैसे ला सकते हैं और पेपर पैटर्न क्या होता है, हम इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस प्रकार एग्ज़ाम में वहाँ पर OMR शीट मिलेगी, इसी तरह मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपके जिला का कोड, केंद्र कोड, आपका रोल नंबर, विषय, ये सब वहाँ पर लिखा रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया गोले भरने का सही तरीका। देखिए गलत तरीका क्या है, यहाँ पर इस प्रकार की कट नहीं करना, आपको धुंधला नहीं भरना है, आधा गोला नहीं भरना। सही तरीका आपका दिखाया गया कि एकदम पूरे गोले को रंगीन करके एकदम आप इसको इस प्रकार भरेंगे। देखिए जिस प्रकार आपको दिखाया गया है, अब देखिए कुछ इस प्रकार आपका विकल्प ऐसे भरना रहेगा। पहले आपको हम निर्देश दिखा दे रहे हैं क्या निर्देश है, इसके बाद आपको हम OMR शीट भरना बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार आपको OMR शीट के पीछे ये निर्देश वहां देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला निर्देश है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। आपको अच्छे तरीके से भरना है। आपको देखिए कट पिट इस तरह जो दिया गया है, इस प्रकार आपको नहीं करना है। आपको सही से सही तरीका आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं, ये सब दिया गया है। और आपको देखिए जो अच्छे से भरना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और उसमें खुरचना और भी कुछ नहीं करना, अच्छे तरीके से भरिएगा। क्योंकि आपकी OMR शीट जो है ये कंप्यूटर से चेक होती है, तो अगर आप गलत करेंगे कुछ और उस पर करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से निर्देश को पढ़ सकते हैं अच्छे से, जिससे आप अपने एग्जाम में कोई गलती ना कर पाएं। तो देखिए यहाँ से 9 निर्देश है, आप इस निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं OMR शीट कैसे भरी जाती है, हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर के चारों विकल्प में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहाँ पर आपको देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस प्रकार 20 तक दिया गया है। आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड आ में। तो यहाँ पर आपको 20ों को देखिए आपको भरना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार पेपर मिलेगा, तो आप यहाँ पे निर्देश भी पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको अब पेपर मिलेगा, तो अब देखिए हम पहला विकल्प यहाँ पे देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपको, अगर देखिए हमारा दूसरा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो हमारा जो ऑप्शन सही है सी वाला। अब हमको सी को OMR शीट में भरना है, तो दूसरे का हमने देखिए, दूसरे का हमको सी वाला सही है, तो इसी सी को आप अच्छे से काले या नीले पेन से अच्छे से गोला करके आराम से भरिएगा। अगर फ्रेंड्स आप जल्दीबाजी में करेंगे तो गलत भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको OMR शीट जब मिलेगी, तो जब वहाँ पर टीचर आपको बोलेंगे करने के लिए, तब आप स्टार्ट कीजिएगा अच्छे से, जो सही होगा उसका आंसर आराम से भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, आपको देखिए यहाँ पर सीरीज कुछ इस प्रकार यहाँ पर मिलेगी। देखिए ये जो EY करके है, तो यहाँ पर आपको पहला अक्षर हमारा क्या है, पहला अक्षर हमारा ई है और दूसरा में Y, तो इसको E और Y को यहाँ पर आराम से, पहले पहला अक्षर E है तो हमने यहाँ पे E लिख दिया है और दूसरा Y है। अब देखिए क्या करना है, जो E है इसमें हमको खोज कर E कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर E है, तो E को गोला कर देना है। तो इस प्रकार ये सब आपको पहले भर देना है, इसके बाद ये सब स्टार्ट कीजिएगा। अब देखिए Y कहाँ पर हमारा है, इसमें खोज कर आप आराम से, यहाँ पर Y है तो हमने यहाँ पर गोला कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप वही साइन कीजिएगा जो आपने प्रवेश पत्र जो आपके पास होगा उसमें आपने जो साइन किया वही साइन यहाँ पर कीजिएगा। और यहाँ पर आपके जो क्लासरूम में टीचर होंगे उनकी साइन होगी, वो करेंगे। और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी मिलेगी आपको, आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी साइन कर देना है। ये सब अगर आपका चित्रकला विषय हेतु ये सब आलेखन भाग, प्रावैधिक भाग होगा तो आप गोला करिए, अगर नहीं होगा तो आप पन भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी आपको भरना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए पहले का हमने, जैसे हमने दूसरे का क्या किया था, दूसरे का हमने सी वाला किया था, यहाँ पर देखिए हमने दूसरे का क्या किया था, सी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने दूसरे का, जो दूसरे का यहाँ पर हमने सी सही है, तो यहाँ पर आपको बना देना सी लेटर इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर भी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर भरना, तो यहाँ पर पहला अक्षर हमने भरा था ऊपर ई और दूसरा भरा था वाई, तो यहाँ पर हम ई और वाई इस प्रकार भर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना फ्रेंड्स, जो सही है आपका होगा आपको गोला करना। अगर तीसरे का मतलब सही है, अगर ए वाला है, तो
तो आपको क्या करना है, तीसरे का ए को गोला करना है अच्छे से। इसके बाद तीसरे का जो आपने ए गोला किया है तो यहाँ पर आपको तीसरे का ए भर देना है। जैसे देखिए आपने यहाँ तीसरे का सही था ए वाला, तो एक हमने गोला किया, और जो यहाँ पर भी तीसरे का है यहाँ पर तीसरे में ए लिख देना है कुछ इस प्रकार। तो आराम से भरेंगे आप तो कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ से जैसे आपका जो सही होगा आपको आराम से गोला करना है, और साथ में ही नीचे भी उसी साथ में भरते आराम से चलिएगा। तो कुछ इस प्रकार आपका ओमर सीट यहाँ पर हमने भर दी है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, कॉपी कैसे लिखना आपको हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कॉपी जब मिलेगी, सबसे पहले आपको कॉपी और ओएमआर शीट मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार आपकी कॉपी मिलेगी, थोड़ा अलग हो सकती है वहाँ पर कॉपी आपकी। तो वहाँ पर जो आपको भरना होना रहेगा, रोल नंबर नाम तो नहीं लिखना रहता, रोल नंबर इंग्लिश में यहाँ पर अनुक्रमांक और शब्दों में लिखना रहता, तो आप लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा, दिन लिखिएगा, ये सब आपको वहाँ पर लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में खंड आपका था बहुविकल्पी 20 नंबर का, जो कि आपका आपने बहुविकल्पी उसमें भर दिया वो मार्कशीट में। अब आपको क्या करना है, कॉपी पे लिखना। देखिए अब हम निर्देश एक बार दिखा देते हैं फिर से। इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड आ खंड बा। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर ओ एम आर शीट उत्तर पत्रक पर देना है। अब आपको देखिए ओमर शीट आप भर लिए होंगे, इसके बाद आप लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो आपका पार्ट ए तो ओमर शीट पर काम हो गया है, खंड आ। अब आपको क्या करना है, खंड बा से स्टार्ट करना है लिखना। तो आप कैसे लिखेंगे चलिए बताते हैं इसके बारे में हम। तो देखिए आपका खंड बा इस प्रकार मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी पे अच्छे से आपको पहले यहां पर इस किनारे साइड में आपको पटरी से अच्छे से आपको लाइनिंग पार लेनी है। इसके बाद आपका देखिए जब खंड बा लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर लिखना अच्छे तरीके से, काले पेन या नीले स्केच से आप लिख सकते हैं, खंड बा आपको इस प्रकार लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देना है वर्णात्मक। तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया आपके पेपर में, तो आपको लिख देना वर्णात्मक। इसके बाद फर्स्ट यहाँ पे इस प्रकार आप लिख देंगे। अब देखिए आप अगर पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सीरियल वाइज करिएगा, जिससे टीचर को चेक करने में आसानी हो तो आप सीरियल वाइज करिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर, प्रश्न संख्या नंबर लिखिए या उत्तर नंबर लिखिए, तो प्रश्नोत्तर लिखिए मतलब प्रश्न का उत्तर। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर पहला करने जा रहे हैं तो पहला लिख देंगे, इसके बाद हम यहाँ से उत्तर को लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार आप अच्छे से राइटिंग में एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, आपकी कॉपी भी भरेगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो हमने कुछ इस प्रकार आपको बता दिया है, आप सीरियल वाइज लिखिएगा जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी अगली न्यू वीडियो में, धन्यवाद।